हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का एग्जाम हो चुका होगा पीजीटी का, उसी का एक रिव्यू लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग है मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, और जो बच्चे पेपर देने के लिए बैठे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा सरदर्द वाली चीज ये है। और मैं आपको बता दूं, जिनका भी कल का पेपर है टीजीटी वालों का और पीआरटी वालों का, आपका जो नया सिलेबस इन्होंने रिलीज किया था वो जस्ट एक नुमाइश के तौर पर किया था, उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आपका जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा भी क्वेश्चन पेपर सेट होता था ना, वैसा ही क्वेश्चन आपका आया है। तो अभी ये मान के चलो कि आपका भी सेम ही आएगा, बाकी इनका कोई भरोसा नहीं है। मैंने हमेशा यही कहा है कि किसी पर भी भरोसा करो, इन लोगों के पर भरोसा बिल्कुल भी मत करो। हरियाणा के किसी भी एग्जाम जो भी कंडक्ट करा रहे हैं ना, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इन्होंने फिर से इस चीज़ का प्रूफ दिया है। सिलेबस में चेंज किया, सीरीपी से जो टॉपिक्स गायब करे थे वो सब सारी चीज़ें, साथ ही पैडागोजी लाई थी अब की बारी रीट की तरह और सीटेट की तरह, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कंप्लीट आपका जो हिंदी है और जो इंग्लिश है उसके ग्रामर आई है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ऐसे ही आपका प्रश्न पत्र जो है वो कल भी आएगा, ठीक है। आना तो चाहिए, अदरवाइज पता है सबको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हो सकता भाई आपको पैडागोजी दे, बिकॉज मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मैं बिल्कुल ही बिल्कुल मतलब स्पीचलेस हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बच्चों की इमोशंस के साथ कैसे खेला जा सकता है ना भाई, ये कोई इनसे सीखे। बहुत ही गजब मतलब कारीगरी है, बहुत ही गजब का टैलेंट लेकर के बैठे हैं ये लोग जो भी ऊपर बैठे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग मुंह उठा के आते हो पहले और फिर कहते हो कि आपका सिलेबस चेंज कर दिया हमने। सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक बच्चा तैयारी करता है, और यहाँ पर वो कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, मोस्टली वही कैंडिडेट मिलेंगे, बहुत कम कैंडिडेट घर पर मिलेंगे, मोस्टली जॉब वाले होंगे। अकॉर्डिंग टू उन्होंने अगर किसी का बैच लिया फिर कैसे भी प्रिपरेशन करी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है सारी प्रिपरेशन उन्होंने की। मतलब क्या सोच करके, क्या मतलब क्या दिखाया, किसी भी लायक का मतलब कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं इनके ऊपर, ठीक है। तो कल वाले बी प्रिपेयर्ड, पता नहीं अब मुझे, मैं नहीं कहती कि आपको सिर्फ आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर मैं ये नहीं कहती कि आपको ओल्ड मिलेगा, बट कहता तो यही है, अगर आप अगर पीजीटी के में सेम ओल्ड पैटर्न आया तो आपका भी ओल्ड पैटर्न ही देखने को मिलेगा, ठीक है। मुझे यही है कि फीलिंग्स, गट फीलिंग्स यही है कि आपका भी ओल्ड ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं पता। क्या मेरा क्या पता कि आपका जो है वो पैडागोजी डाल दी है ना, नया सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस चेंज किया इन्होंने, मैथमेटिक्स का सिलेबस इन्होंने चेंज किया, क्या कुछ नहीं किया, वो किस लिए किया था इनसे कोई पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, करेंगे तो ये उस चीज को मतलब बहुत ही तोड़ मोड़ के लाएंगे, ठीक है। इनके बस की कुछ नहीं है, मैं सिंपल शब्दों में कहती हूँ इनके बस की कुछ भी नहीं है, नहीं इन्होंने कुछ करना है। मुझे तो अब ये भी नहीं लगता कि ये लोग जो बचा हुआ रिजल्ट है वो भी रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ, मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। टीजीटी की वैकेंसी इन्होंने रोक करके रख ली है, पीजीटी की वैकेंसी इन्होंने एक तरीके से आपका स्टे लग चुका है, ठीक है। और जितने भी पीआरटी तो चलो आ ही नहीं रहा है, तो अभी एक क्विक रिव्यू यही है कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया है, आपका ओल्ड सिलेबस है। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया है ना, मतलब हमने यहां पर कितनी प्रिपरेशन करी थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है। चलो ठीक है, आपका भाई अब जो सीडीपी में छोड़ के बैठे थे ना, आप जिन भी टॉपिक्स को छोड़ के बैठे हो उसको नहीं छोड़ना है, आप उनको करके जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको करनी है, और आपको थोड़ी देर में मैं जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। मैं पहले उस पेपर को देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है, अभी फिलहाल मैंने बस इतना देखा है कि आपका पैडागोजी नहीं पूछा गया, और मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम पैडागोजी नहीं आई, पैडागोजी नहीं आई, पैडागोजी नहीं आई। पता नहीं आप सभी का पेपर कैसा गया होगा, कि होपफुली अच्छा ही गया हो, है ना। दिमाग तो खराब हुआ होगा मुझे पता है, बट ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, है ना, सबके साथ हुआ होगा ऐसे ही, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगी, सीडीपी का भी और हिंदी इंग्लिश का, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप वेट करिए, और टीजीटी वाले और पीआरटी वाले बी प्रिपेयर, ठीक है। आपका कल सुबह ही है और पीआरटी वालों को शाम को ही है, ठीक है। चलो आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताना, आप लोग क्या सोचते हो, क्योंकि मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो गया है। जैसे मैंने ये चीज देखी है ना, मतलब मैं उसी वक्त से इस फोन को लेकर के बैठी हुई हूँ। चलो खत्म करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे ही, बाय बाय।